गुड आफ्टरनून। आज की क्लास जो है मलेरिया पे है। मलेरिया जो है मेनली मच्छर के काटने से होता है। जो मच्छर जिसके काटने से मलेरिया होता है उसे हम कहते हैं मादा एनोफिलीज मच्छर, या फिर हम लोग कह सकते हैं फीमेल एनोफिलीज मच्छर। ये मच्छर अक्सर रात के टाइम पे काटते हैं, और मादा एनोफिलीज मच्छर जो है काटने के बाद जो है ये हमारे शरीर के अंदर अपना जो है पैरासाइट छोड़ जाता है, या फिर हम जिसे कह सकते हैं परजीवी कहते हैं, वो शरीर में छोड़ जाते हैं। जो मलेरिया के परजीवी होते हैं उनके चार जातियाँ होती है, चार प्रकार के होते हैं, जैसे कि प्लास्मोडियम विवैक्स होता है, प्लास्मोडियम मलेरियम होता है, प्लास्मोडियम फिलेरिस होता है, उसके अलावा प्लास्मोडियम ओवेल होता है। ये चार कैटेगरी है जो है मलेरिया परजीवी या फिर मलेरिया पैरासाइट के अंदर होता है। इनकी चार कैटेगरी होती है। उसके अलावा जो है इस बीमारी की जो उद्भवन अवधि होती है, उद्भवन अवधि कम से कम 10 दिन की होती है, और इसके अंदर कुछ लक्षण जो शरीर के अंदर दिखाई देते हैं वो ये है कि ठंड लगकर बुखार आना, ठीक है, उसके अलावा जो है लिवर और स्प्लीन जो है उनके अंदर सूजन आ जाना, खून की कमी होना, भूख कम लगना, ठंड लगना, ठीक है, ये सब चीज़ें जो है मलेरिया के अंदर दिखाई देती है। और मलेरिया जो होता है वो पैरासाइट जो होता है शरीर में मच्छर काटने से आता है। जैसे ही बुखार होता है तो इसके अंदर ये होता है कि ठंड लगकर जब बुखार आता है उसके बाद जो बुखार उतरता है तो बहुत ज़्यादा पसीना आना शुरू हो जाता है पेशेंट को। ये कुछ सिम्टम्स है, ये कुछ साइन एंड सिम्टम्स है हम लोग कह सकते हैं, या फिर कुछ लक्षण और चिन्ह हैं जो मलेरिया के जो है मरीज़ जो होते हैं उनमें दिखाई देते हैं। उसके अलावा क्या होता है कि हम लोग जब मलेरिया जब होता है गाँव में होने शुरू आते हैं, जैसे कि बारिश के टाइम पे, या फिर जो है जब ठंड और सब होती है उस टाइम पे मच्छर जो होते हैं कुछ ज़्यादा ही होने लग जाते हैं। जून जुलाई अगस्त के और ये जो महीने होते हैं इनमें मच्छरों का कुछ ज़्यादा ही मच्छर जो है निकलने शुरू जाते हैं। उस टाइम पर क्या होता है कि हम मलेरिया डेंगू इन बीमारियों का स्पेशली ध्यान रखते हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उस बीमारी से लोगों को बचाने के लिए हम कुछ नियंत्रण के कदम या फिर रोकथाम के लिए कदम उठाते हैं। जैसे कि लोगों को बताना कि रात को सोते टाइम मच्छरदानी लगाकर सोएं, घर में गुड नाइट या ऑल आउट रखें, ठीक है, पानी का जो है निकास उचित, मतलब कि जो भी हम लोग नाली बनाते हैं या फिर पानी खुला पानी जाता है जहाँ पर, जैसे कि कम्युनिटी में गांव में होता है कि ट्यूबवेल होते हैं, पंप होते हैं, वहाँ पर पानी का इकट्ठा होना शुरू होता है, उन सब जगहों पर क्या है एक तरीके से उचित रास्ता बनाना जहाँ पर पानी इकट्ठा ना हो, क्योंकि ये जो मच्छर है वो पानी के अंदर पैदा होते हैं। तो पानी के अंदर पानी इकट्ठा होगा, ख़राब पानी होगा, वहीं पे ही क्या होता है ये मच्छर ज़्यादा होता है। तो हम क्या करते हैं एज आ ए एन एम नर्स का काम होता है कि वो गांव-गांव जाए, घर घर जाए और लोगों को इसके बारे में जागरूक करे, उन्हें ये बताए कि अपने आस पड़ोस में जो है सफाई रखे, नालियाँ गंदी हो रही है, कचरा भर रहा है, पानी बह रहा है, तो नालियों को साफ़ करवाएं, और जैसे गाय और होते हैं जिनके घर पे जहाँ पे गाय और सब रहते हैं उस एरिया में बहुत मच्छर होते हैं, तो उन जगहों पर जो है एक तरीके से कुछ करें, जैसे हम लोग नीम के पत्ते जलाकर करते हैं जिससे कि मच्छर चले जाए, तो ऐसी चीज़ें करें कि उस एरिया में मच्छर कम हो, और जो है मच्छर अगर पैदा ही नहीं होंगे तो मलेरिया नहीं होगा। तो हम लोग क्या है रोकथाम के लिए लोगों को बताते हैं, और स्कूलों के अंदर जैसे सरकारी स्कूल और जब होते हैं उनकी सफाई का ध्यान रखना, उन वहाँ पर जाकर जो है अध्यापक और सब उन्हें बताना सफाई किस तरीके से करनी, उस एरिया को साफ़ करवाना, बच्चों को स्कूल में अगर बच्चे जाते हैं तो उन्हें पूरे बाजू के कपड़े पहनाकर भेजना स्कूल में, ठीक है, खेलने जाते हैं तो उन्हें ढंग से खेलने के लिए मतलब कि कपड़े और सब पहनकर, पूरे बाजू के कपड़े और सब पहनकर बच्चे खेलने जाए, लड़का और लड़की हो हर जगह से, किसी को भी किसी भी तरीके से बीमारियां ना हो, कूलर के अंदर पानी ना जमने दे, बारिश का पानी कहीं पे टायर और हमें इकट्ठा होता है तो उन्हें खाली करवाए, गमलों के अंदर जो है पौधों के अंदर गमलों के अंदर पानी का इकट्ठा हो जाना उन्हें खाली करवाना, ट्यूबवेल नहर और सब के आगे जो है पानी इकट्ठा होता है उसके लिए रास्ता बनाना जिससे कि वो इकट्ठा जो पानी है वो चला जाए, एक जगह इकट्ठा ना रहे बह जाए, ठीक है, अगर कहीं पे भी पानी इकट्ठा होगा तो वहाँ पर क्या है मच्छर पैदा होने के चांसेस रहते हैं। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि इन सब चीज़ों का ध्यान रखना, और ANM नर्स का काम होता है अगर ऐसा कुछ कहीं पे है तो लोगों को वहीं पे रोककर उस चीज़ के बारे में बताएं, समझाएं ताकि वो बीमारी उस एरिया में ना हो।
उसके अलावा इसका नियंत्रण किस तरीके से कर सकते हैं, उसके अलावा हम लोग ये होता है घर की टंकियाँ होती है जो खुली रहती है, तो उसके अंदर जो है मछलियों का लाना, छोटी छोटी गंबूशिया मछलियाँ होती हैं जो कुछ हेल्थ सेंटर्स पे, PHCSC में कुछ जगहों पे गवर्नमेंट फ्री में देती है और कुछ जगहों पे लोग जो है लेकर आ सकते हैं। तो वो जो मछलियाँ हैं उन्हें खुली टंकियों में डाल देना, जिससे कि वो जो है मच्छर के जो अंडे हैं वो मछलियाँ खा जाती हैं, तो उससे मच्छर पैदा नहीं होता है। तो गंबूशिया मछलियों का लाकर डाल देना, ये सब चीज़ें जो होती है करना ज़रूरी है, जिससे कि हम क्या कर सकते हैं मलेरिया के रोकथाम और नियंत्रण कर सकते हैं। उसके अलावा उपचार, उपचार के लिए हम क्या करते हैं, मलेरिया अगर कोई इंसान पॉजिटिव है तो हम उसे क्लोरोक्वीन की दवाइयाँ देते हैं, क्लोरोक्वीन हो गया, प्रिमाक्वीन हो गया, ये दवाइयाँ दी जाती है जिससे कि जो है मलेरिया वाले मच्छर पेशेंट जो है जल्दी से जल्दी ठीक हो सके। तो मलेरिया का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है मच्छरों के काटने से। अगर उस टाइम पे किसी को भी ठंड बुखार कुछ भी होता है तो पेशेंट को जाकर देखना, उन्हें तुरंत अस्पताल में डॉक्टर्स को दिखाना, ये बहुत ज़रूरी है। तो ये सारे कदम उठाना ज़रूरी है। ANM नर्स का काम है कि हर चीज़ का रिकॉर्ड रखे और उसके अलावा लोगों को घर घर जाकर जानकारी दे, लोगों को शिक्षित करें, लोगों के साथ साथ छोटे छोटे बच्चों को भी शिक्षित करें। जैसे स्कूलों में जाकर छोटे छोटे बच्चों को बताना कि ऐसी बीमारियाँ फैलती है, छोटे छोटे बच्चों के साथ खेल खेल में या फिर अलग तरीके से उन्हें चीज़ों को समझाना, ये सब चीज़ें ANM नर्स का काम होता है। ये था आज का टॉपिक। थैंक यू।